हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आज हमारा जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे आपका नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून तक का ठीक है जी जो भी लास्ट वीक की न्यूज़ रहेंगी उनको डिस्कस करेंगे ठीक है जी ये स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों को पता होगा कि पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या सीनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आया है उसका बैच शुरू हो रहा है ठीक है जी थर्टीथ से जिसमें आपको सारा पढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ ये है कि इसके साथ आप हिमाचल का एलाइड का एग्ज़ाम है ये कोई भी ऐसे और एग्जाम है जो बी ग्रेड के एग्जाम है इवन चाहे प्री हो गया किसी का तो वो भी आप इसमें से कवर हो सकता है आपका तो आपको अगर जो लोग इंटरेस्टेड है वो बैच लगा सकते हैं थर्टियथ या एक से वो शुरू हो रहा है तो आज हम ये डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सबसे पहले देखिए क्या है न्यूज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है कहां पे जेनेवा में जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई ठीक है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वॉज को होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान एट डब्ल्यू टी ओ हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड डब्ल्यू टी ओ का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्विट्जरलैंड में वहां पे को होस्ट किया गया दो कंट्रीज के द्वारा इस मीटिंग को कौन कौन सी स्विट्जरलैंड एंड पाकिस्तान ट्रेड मिनिस्टर्स 114 देशों ने इसको 164 सॉरी देशों ने इसको अटेंड किया हां जी पी ट्रिपल एसबी का सिलेबस और पीपीएससी का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है जी बट आपका जीएस उसमें हो जाएगा जीएस मैथ रीजनिंग तो चलो होगा ही बेसिक आगे यहाँ पे न्यूज़ में क्या है जी डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे बातें क्या हुई है यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई है कि डब्ल्यू टी ओ का क्या रिस्पॉन्स रहेगा टू पैंडमिक पैंडमिक से डब्लू टी ओ ने डब्ल्यू टी ओ का क्या रिस्पॉन्स रहा दूसरी बात हुई कि फिशरीज जो सब्सिडी दी जाती हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर इश्यूज़ को डिस्कस किया गया तो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक हुई वहां पे स्विट्ज़रलैंड में अगर हम बात करें डब्ल्यू की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना है वो 1995 में बना है एक्चुअली कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि डब्ल्यू को पहले क्या बोलते थे इसको हम जनरली बोला करते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड मतलब गैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ये गैट का गठन किया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड बाद में इसको नाम दिया, दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन नाइनटी फाइव में इंडिया में जो भी ट्रेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको कंट्रोल करना या देखना कोई कंट्रीज किसी को सब्सिडी दे रही है तो उनको क्योंकि अगर कोई कंट्री किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सब्सिडी देती है तो वो ट्रेड डिस्टोर्टिंग हो जाती है चीज़ उससे ट्रेड रुक जाता है तो ये कुछ रीजनज हैं जिसकी वजह से ये आ, इनका काम है ये सारा कुछ देखना और नेक्स्ट जो चीज़ है इसके बाद अगर जो नेक्स्ट में चीज़ बात करूं जो ये ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो जेनेवा में हुई है ये हर दो साल बाद एक होती है ठीक है जी हर दो साल बाद इसको कंडक्ट करवाया जाता है इसमें है क्या ये एक टॉप डिसीज़न मेकिंग बॉडी है जो ये है आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये क्या है टॉप डिसीज़न मेकिंग बॉडी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये किस चीज की डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की और हर दो साल के बाद इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है तो अभी ये कॉन्फ्रेंस पे हुई है आपका देख सकते हो स्विट्जरलैंड में हुई है को होस्ट किसने किया है स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान चलिए जी आगे देखिए क्या है यूरोपियन यूनियन रिकमेंड्स कैंडिडेट स्टेटस सॉरी फॉर यूक्रेन एंड मोलडोवा आपको पता है दो यूरोप की कंट्रीज़ हैं यूक्रेन भी मोलडोवा भी यूरोपियन कमीशन जो है यूरोपियन कमीशन हैज़ मेड अ हिस्टोरिक स्टेप इन रिकमेंडिंग दैट यूक्रेन एंड मोलडोवा बी ग्रांटेड यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस क्या बात हुई है यूरोपियन कमीशन ने भी क्या किया है उन्होंने रिकमेंड किया है यूक्रेन और मोलडोवा को कि आप इनको क्या दो यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस दे दो ठीक है जी ताकि ये क्या हो सके ये वो देश हैं पहले ना पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे अब इनको बोला गया है कि ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें और सोवियत यूनियन से अलग हुए हैं और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड लेटेस्ट ब्लॉक जो हमारा दुनिया का सबसे लेटेस्ट जो डेवलप्ड ब्लॉक है जिसको कहते हैं वो है यूरोपियन यूनियन दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड ब्लॉक भी है ये तो इसमें ऐड करने की बात हो रही है यूक्रेन और मोलडोवा को अगर हम बात करें यूक्रेन एंड मोलडोवा पार्ट टू फुल मेंबरशिप इन द यूरोपियन यूनियन आर ट्वेंटी सेवन नेशन यूनियन आपको एक चीज याद रखनी है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये किस ट्रीटी के अंदर बना है अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो याद रखना है ट्रीटी का नाम क्या है मैस्ट्रिक्ट मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी 1992 में उस ट्रीटी के अंदर क्या बनाया गया यूरोपियन यूनियन ये आपने याद रखनी है बात उस ट्रीटी के अंदर क्या चीज बनी है यूरोपियन यूनियन क्लियर हो गया सभी को सभी को क्लियर हो गया आगे देखिए क्या है जी ये आपको दिख रहा होगा ये यूक्रेन है मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया है कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पता होने चाहिए यहां दिख रहे होंगे आपको बेलारूस है ठीक है जी यहाँ ऊपर मॉस्को वो तो हमें पता ही है मॉस्को है रशिया है सारा ये ठीक है जी यहाँ पे देख सकते हो पोलैंड है ये है स्लोवाकिया हंगरी है मोलडोवा है ठीक है जी तो ये कंट्रीज के आपको नाम पता होने चाहिए ये सॉरी रोमानिया है और ये क्या है मोलडोवा तो अभी यूक्रेन और मोलडोवा को बात हो रही है यूरोपियन यूनियन में ऐड करने की और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है ये कीव शहर है जो कैपिटल है और ये शहर कौन सी रिवर पे है ये रिवर का नाम है नाइपर तो याद रखना ये सबसे बड़ी रिवर है यूक्रेन की क्लियर है सभी को क्लियर हो गया सभी को ठीक है जी ये मैप याद रखना है तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो आजकल हर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अफगानिस्तान को कौन कौन से देशों के बॉर्डर लग रहे हैं तो यूक्रेन इतना न्यूज़ में है तो यूक्रेन से तो आपको पूछ ही सकता है ठीक है जी ये खारकीव है इंपॉर्टेंट ये ओडेसा है उनका पोर्ट एरिया है ये क्रीमिया पेनसोला है जिसको रशिया ने बहुत टाइम पहले जीत लिया था आगे देखिए जी नेक्स्ट एयरटेल लॉन्चिज इंडिया फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन द मेटावर्स लास्ट क्लास में मैं आपको मेटावर्स मैंने बताया है मेटावर्स एक सारा डिजिटल चीज़ें होंगी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा जहां वर्चुअल रियलिटी भी होगी जहां ऑग्यूमेंटल रियलिटी भी होगी ये सभी का जो एक उसको होगा इसको हम क्या बोलेंगे मेटावर्स तो इंडिया में एयरटेल ने अपना क्या लॉन्च किया है इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है इन मेटावर्स ठीक है जी एक डिजिटल दुनिया होगी तो वहां पे अभी एयरटेल ने क्या चीज लॉन्च की है मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है ये सिंपल है वन न्यूज है इसको ऐसे ही पढ़ के आपने छोड़ देना है यूएस कैनेडा एंड मैक्सिको टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेरा सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप होना है फीफा वो कहां पे हो रहा है जल्दी आंसर दीजिए जल्दी आंसर दो जी 2022 का जो कप होना है वो कहां पे होना है जल्दी आंसर दीजिए प्लीज आप लोगों से पूछ रहा हूं जल्दी आंसर दीजिए 2022 का कहां पे होना है यस yes. कहां पे होना है जी कतर वेरी गुड जिन लोगों ने आंसर दिया है तो आंसर क्या है जी कतर कतर में होगा एक चीज याद रखनी है 2026 का जो होना है उसे कौन होस्ट कर रहा है यूएस कनाडा एंड मेक्सिको तो पहली बार हो रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको कौन तीन कंट्री शेयर करेंगी और 32 लोकेशंस हैं सॉरी 48 टीम्स के अंदर ये होगा और 16 शहरों में ये अलग अलग शहरों में इसके मतलब गेम्स होंगी मतलब टूर्नामेंट जो होगा कोई का किसी का किसी मैच है तो वो अलग शहर में तीन कंट्रीज इसे होस्ट करने जा रही हैं 2026 में और 2022 में 2022 में इसे कौन होस्ट करने जा रहा है कतर कौन होस्ट करने जा रहा है जी कतर और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें नाइनटीन से इसकी शुरुआत हुई है जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब हुई है नाइनटीन से और आफ्टर एवरी फोर ईयर्स हर चार साल के बाद ये करवाया जा होता है ठीक है जी आफ्टर एवरी फोर इयर्स, अब आप ये क्वेश्चन एक बनता है कि सर 2018 में कहां पे हुआ था क्योंकि 2022 का भी होना है तो आपसे पीछे वाला पूछ सकता है 2018 का जो हुआ था वो कहां पे हुआ था जी रशिया में 2018 का जो हुआ था वो कहां पे हुआ था रशिया में और उसमें जो विनर है टीम वो कौन सी है फ्रांस फ्रांस उसमें जीता था ठीक है जी दो में फ्रांस की टीम ने उसमें जीता था वो कप फीफा वर्ल्ड कप 2018 का अभी 2022 का कतर में होने जा रहा है और 2026 का जो होगा वो तीन कंट्रीज उसे होस्ट करेंगी कौन कौन सी यूएसए कनाडा एंड मेक्सिको क्लियर हो गया सभी को और ये पहली बार हो रहा है कि इसे तीन कंट्रीज होस्ट कर रही हैं आगे देखिए नेक्स्ट ठीक है जी आगे न्यूज दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टैंड बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया तो देखिए जी क्या है अभी रिसेंट क्या न्यूज़ आई है कि 2022 का जो स्काई टा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड होता है नेम्ड दिल्ली इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द फाइनेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंडिया में सबसे बेस्ट और साउथ एशिया में सबसे अच्छा जो फाइनेस्ट एयरपोर्ट बोला गया वो किसको बोला गया इंडिया को और ये जो एक्सपो हुआ था जहां ये अवार्ड दिया गया था वो कहाँ पे हुआ है जी आपका पेरिस में जहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला वो फाइनेस्ट है इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया और अगर दुनिया की हम बात करें दुनिया की बात करें तो कतर में एक हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकेंड ईयर फॉलोड बाय टोक्यो हैडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लियर है चीज़ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंडिया का है जो सबसे बेस्ट वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का भी नहीं साउथ एशिया में भी अगर बात करें तब भी यही सबसे ऊपर है क्लियर एवरीवन आरबीआई सस्पेंड लाइसेंस ऑफ मेलथ कोऑपरेटिव बैंक देखिए आपको पता है कि बैंकों को लाइसेंस देना ठीक है जी वो आरबीआई के हाथ में है उनके लाइसेंस को कैंसिल करना आरबीआई के हाथ में है अगर वो बैंक बैंकिंग प्रॉपर से नहीं चल रहा तो आरबीआई उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है हमने पहले भी काफी बार न्यूज पढ़ी है अभी रिसेंटली आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है मेलाथ कोऑपरेटिव बैंक का अगर सिंपल कर्नाटका में ये है उनका ये लाइसेंस कैंसिल किया है बैंकों को रेगुलेशन एक्ट जो आर है वो बैंकों को रेगुलेट करता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आर बी बैंक को रेगुलेट करता है अब दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जिन लोगों का उन बैंक में अकाउंट है उनका क्या होगा बैंक के जो प्रॉपर्टी है उसको लिक्विडेट किया जाएगा एक हमारे इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ये लिखा है आप देख सकते हो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसका काम क्या है ये पहले एक्ट बना था 1961 में डी आई सी जी सी डिपॉज़िट डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इनका मेन काम क्या है कि भाई जो लोगों के अकाउंट होते हैं कल को वो बैंक फेलियर हो गया या कुछ हो गया तो उनकी एक इंश्योरेंस रहती है पहले ये अमाउंट दो लाख हुआ करता था अब कुछ टाइम पहले इस अमाउंट को इनक्रीज़ करके कितना कर दिया गया था पाँच लाख रुपये यहाँ पे लिखा होगा कहीं ठीक है जी हाँ यस तो जो डिपॉजिटर होगा जिसके वहाँ पे जितने पैसे थे अगर उसका दस लाख है तो उसको पाँच लाख तक की तो उसकी इंश्योरेंस होती है कि उसको मिलेगा मिलेगा ऐसा नहीं है कि एक लाख वाले को भी पाँच मिलेगा उसको तो उसके अपने तो ही मिलेंगे बट पाँच लाख तक की इंश्योरेंस होती है कि वो पैसे उनको लौटाए जाएंगे तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो ये एक्ट था नाइनटीन पहले इसके अंदर दो लाख होता था अब ये इंक्रीज करके कुछ समय पहले पाँच लाख कर दिया है तो उनको उनका पैसा भी लौटाया जाएगा जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स होंगे क्लियर है जी क्लियर है जी नेक्स्ट देखिए क्या न्यूज है यूनेस्को किंग हमद बिन अल खलीफा प्राइज ठीक है जी ये न्यूज देखिए क्या है यूनेस्को की सबसे पहली बात तो कि यूनेस्को ने ये प्राइज दिया है अब इसमें आपको थोड़ा सा जानना है कि ये प्राइज किस लिए मिला है और ये क्या है मैं आपको एक चीज बता दूं पहले तो आप इस प्राइज पहले तो सबसे पहले तो जो न्यूज होती है ना उसमें हमने क्या पढ़ना है यूनेस्को यूनेस्को वर्ड दिया है बट इज यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं है यूनाइटेड यूएन तो चलो UN तो आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये एक अवार्ड देते हैं किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ये जो अवार्ड है यूनेस्को 2005 में ये अवार्ड देना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन जो बहरीन एक कंट्री है उसकी हेल्प के साथ विद द 2005 में यह अवार्ड देना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन ठीक है जी राजा के नाम पे अवार्ड है यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड ये है अब इस अवार्ड में क्या है एक्चुअली हुआ क्या ये अवार्ड किसको मिला है तो थोड़ा न्यूज़ में अगर आप देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी कोविड के टाइम पे कि इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को एकदम से डिजिटल पे ले आए ठीक है जी डिजिटल पे लाने का मतलब क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे तो उनको या तो एयर के थ्रू उनको शिक्षा दी गई या इंटरनेट के थ्रू उनको शिक्षा दी गई उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन पेंडेमिक अंडर प्रधानमंत्री ई विद्या प्रधानमंत्री ई विद्या अब ये क्या है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सी आई ई टी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये एन सी आर टी का पार्ट है इट इज अ यूनिट ऑफ एन सी आर टी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन अवार्डेड द यूनेस्को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये अवार्ड मिला है किसके लिए फॉर द यूज ऑफ इन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्यों अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये ये जो अवार्ड दिया जाता है ये एजुकेशन में दिया जाता है कि एजुकेशन में लोग क्या क्या नई नई इनोवेशन करते हैं तो कोरोना के टाइम पे इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ही एक तरह से लोगों की तरह डिजिटल उनको एजुकेशन दी ठीक है जी तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है और उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया था नाम था प्रधानमंत्री ई विद्या इसके अंदर क्या था एक तो आपको इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी दूसरा सरकार ने क्या किया था डी टी डायरेक्ट टू होम जो ये डिश टीवी हैं है ऐसा कुछ होता है इनके थ्रू सरकार ने कुछ चैनल्स चलाए थे जहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता था सरकार ने 12 ऐसे चैनल चलाए जहां बच्चों को एजुकेट किया जाता था चैनल्स पे उनको शिक्षा दी जाती थी तो ये सरकार का इंडियन गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव था इसलिए उनको चुना गया किसके लिए यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज क्लियर एवरी क्लियर हो गया और दूसरी हम बात कर रहे थे जो ये पीएम ई विद्या है अगर आप देखो तो ये 2020 में इसको चलाया गया है दूसरी हम यूनेस्को की बात कर रहे थे जो यूनेस्को है एक्चुअली में यूनेस्को जो है ये खुद 1945 में बना है और पेरिस में आपने सुना होगा कि इसका क्या है हेडक्वार्टर है मुझे वो नाम बताइए एक सब, दुनिया के एक इंपॉर्टेंट देश है जो इसका मेम्बर नहीं है नाम बताइए जल्दी प्लीज नाम बताओ देखिए यूएस इजराइल एंड लिचस्टेन कुछ ऐसा नाम है लिचिस्टेन ये तीन देश है जो किसके मेंबर नहीं है यूनेस्को के किसके मेंबर नहीं है जी यूनेस्को के वो स्पेलिंग आएंगे उसके एल आई ई सी एच टी ई एस टी ई आई एन ऐसा कुछ है एल आई ई सी एच टी आई एस टी ई आई एन एक ऐसी कंट्री है यूएसए इसराइल लिचस्टन है ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो यूनेस्को की मेंबर नहीं है याद रखना यूएस इज नॉट अंबर ऑफ यूनेस्को इसको देता है आपको ऑप्शन में दे देगा रशिया इंडिया पाकिस्तान यूएस तो so, हमें लगता है यूएस तो होगा ही बट ऐसा कुछ नहीं है यूएस इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनेस्को ये याद रखना आगे देखिए जी आगे है आइफा इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अगर हम देखें फिल्म अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं 2022 में सबसे पहला तो क्या है 2022 ये ट्वेंटी सेकेंड एडिशन है 2022 में है तो ये एडिशन भी कौन सा है ट्वेंटी सेकेंड नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म, फिल्म अकेडमी अवार्ड 2022 हज़ार बाईस कहाँ पर हुआ है ये इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड एट एतिहाद एरना इन यास आइलैंड आबोधाबी शेरशाह मूवी आपने देखी होगी जो कारगिल के ऊपर बनी है ठीक है जी कैप्टन विक्रम बत्रा वो ऑन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एंड इट्स डायरेक्टर विशु वर्दान एक्टर वो ऑन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट डायरेक्शन शेरशाह डोमिनेटेड द दो हजार बाईस अवार्ड विद्स अवार्ड विक्की कौशल को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज रोल इन सरदार उधम एंड कीर्ति सैन को अवार्ड मिला है किसके लिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए इन मीमी तो ये तीन नाम आपने याद रख रहे हैं कि शेरशाह मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है और उसके डायरेक्टर विशु वर्धान को भी बेस्ट डायरेक्शंस का और विक्की कौशल को अवार्ड मिला है किसके लिए उनका रोल जो सरदार उधम में है और कृति सैनन को अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन मीमी तो ये इंटरनेशनल जो इंडिया फिल्म अवार्ड जो दिए जाते हैं उनमें ये अवार्ड दिए गए हैं तो ये याद रखने हैं कहाँ पे हुआ ये फंक्शन या साइलेंट आबूधाबी एतिहादा सेवनटीनथ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है ये सेवनटीन है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 डच डच की एक फिल्म है नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन डायरेक्टेड बाय एलियोना यान डेर हॉस्ट इनको गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है फॉर डॉक्यूमेंट्री ठीक है जी इस जो ये कंपटी या जो ये यहाँ पे हुआ यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुई मलयालम फिल्म है नाम है साक्षात करमान करम डायरेक्टेड बाय सुदेश बलाल बलान एंड ब्रदर ट्रोल डायरेक्टेड बाय गुड हेल्समल अ फिल्म फ्रॉम द फेरो आइलैंड ऑफ डेनमार्क इनको सिल्वर कॉन्च अवार्ड मिला है इन शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी ये आपको एक्चुअली क्या होता है मैं आपको सिंपल बात बताऊँ ये जो अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उनके द्वारा ये करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुंबई इंटरनेशनल फिल्म ये इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी है इंटरनेशनल फिल्म को भी इसमें रखा जाता है तो ये आप याद कर लेना क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछता है फिल्म का नाम और उसके डायरेक्टर का नाम तो ये वाली न्यूज अलग थी जो ये पीछे न्यूज है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड अकेडमी अवार्ड ये अलग न्यूज है ये न्यूज अलग है ये सेवनटीन है, है वो बाई ट्वेंटी एडिशन है आप इसको देखो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें रिटेन रखना बड़ा टफ़ होता है थोड़ी बहुत ट्रिक बनाया करो कि यार ये मुझे चीज़ें याद रहें इसको सिंपल है ठीक है जी तो थोड़ा बहुत ट्रिक बना के कि हाँ यार ऐसा कुछ था आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे आप एलिमिनेट कर सको ऐसा नहीं कि सारा रट्टा मार लो हर एक स्पेलिंग को थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सको ये मुझे भी पता है कि टफ़ होती हैं चीज़ें बट आपको करना पड़ेगा ये चीज़ ठीक है जी कोलम्बियन प्रेजिडेंट इलेक्शन हमने ये न्यूज़ नहीं करनी आप छोड़ सकते हो इसको फार्मूला वन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स लास्ट टाइम हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी लास्ट वीक में वो था आजरबाइजान आजरबाईजान में ग्रैंड प्रिक्स हुआ फार्मूला वन रेस हुई तो मैक्स वैट्सपन ने उसको जीता था जो कि रेड बुल को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस बार फिर मैक्स वैट्सपन जो कि नीदरलैंड से हैं उन्होंने ये सिक्स फार्मूला वन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीता है क्लियर है चीज़ ये लिखा हुआ है सेकेंड आते हैं आपके कार्लो साइंस ऑफ स्पेन जो कि फरारी ड्राइवर हैं और लेविस हेमल्टन यूएस जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं वो थर्ड रैंक उनका आया है सुनील छेत्री बिकम्स फिफ्थ हाईएस्ट गोल स्कोरर वैसे इनको थर्ड हाईएस्ट स्कोरर माना जाता है अगर आप यहां पे देखो सबसे ज्यादा कौन से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 सेवेंटीन गोल्स देन लियोन मेसी जिनका है 86 सिक्स गोल्स अभी इन्होंने क्या किया है अभी इनका चैंपियनशिप चल रही थी हांगकॉन्ग के साथ इनका मैच था तो वहां पे इन्होंने एटी इंटरनेशनल गोल किया अगेंस्ट द हांगकॉन्ग और इनका नाम यहाँ पे एड ऑन हो गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सिर्फ थीम याद रखना है द राइट टू सीक सेफ्टी द राइट टू सीक सेफ्टी एक बात आप याद रखना इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज एंड इट्स प्रोटोकॉल ये बात ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कि इंडिया में है जो इंडिया रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस का जो रिफ्यूजीज के लिए कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन की इंडिया उसका मेंबर है ऐसा कुछ नहीं है ये याद रखना इंडिया इज नॉट अम्बर ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज एंड इट्स प्रोटोकॉल कोई भी उसका प्रोटोकॉल है या उसकी कोई भी कन्वेंशन है उसका इंडिया मेंबर नहीं है ये याद रखना आप लोगों ने ठीक है जी और दूसरी चीज इसलिए हमारी कंट्री में जो रिफ्यूजीज आते हैं अगर हम यूएन कन्वेंशन के मेंबर बन जाएंगे या कुछ भी होगा तो हमें उनको प्रॉपर सेफ्टी देनी पड़ती है सब कुछ फैसिलिटीज़ uh, अवेल कर uh, देनी पड़ती है अवेलेबल करवानी पड़ती हैं अगर नहीं है हमारे कंट्रीज़ में जो लोग आते हैं रिफ्यूजीज कई बार हम उनको फॉरनर्स की तरह ट्रीट करते हैं अंडर फॉरनर्स एक्ट ठीक है ना क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन देखिए जो आपका एक्सरसाइज की अगर हम बात करें अभी डेट का तो अभी फाइनल नहीं है कुछ बट आपको मैं दो आ, बातें बता देता हूँ कि जनरली जो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें एक्सरसाइज की अगर हम सिंपल बात करते हैं तो एक्सरसाइज का जो टैक्सेशन वाला पोर्शन है वो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे ब्राइट के ऐप पे लेक्चर पढ़े होंगे टैक्सेशन के बाकी तो सारा कुछ नॉर्मल ही है चाहे वो इंग्लिश ले लो पंजाबी ग्रामर ले लो पंजाबी है या फिर नॉर्मल आपके सब्जेक्ट हैं जीके है मैथ है रीजनिंग है तो वो तो आपको करना ही पड़ेंगे टैक्सेशन है अलग नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्शुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है अगर आपसे पूछ लेगा कि एक रेजोल्यूशन पास किया था अठारह सौ बीस जिसमें क्या था कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में या कोई भी तो वहाँ पे वुमेंस को सेक्शुअल असोल्ट या ऐसा कुछ किया जाता है तो उसको एलिमिनेट करना है ये सेक्शुअल वायलेंस है इसको एलिमिनेट करना है सिंपल उसके लिए न्यूज़ है आप ये ऐसी न्यूज़ें डे वगैरह या ये चीज़ ये आप छोड़ सकते हो क्लियर ना आपको पूछेगा नहीं एग्जामिनर नेशनल रीडिंग डे तो ये आपने नहीं करना थोड़ा सा इसको पढ़ के छोड़ देना कि ये क्या है बस न्यू चीफ जस्टिस फॉर सिक्स हाई कोर्ट्स न्यू चीफ जस्टिस फॉर सिक्स हाई कोर्ट्स ये सबसे देखिए क्या चीज है न्यू चीफ जस्टिस फॉर सिक्स हाई कोर्ट्स आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड दिल्ली हिमाचल राजस्थान गुवाहाटी एंड तेलंगाना इन एक्सरसाइज ऑफ इस पावर कॉन्फर्ट अंडर क्लॉज वन ऑफ आर्टिकल टू हंड्रेड सेवनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना तो ये आपको दिख रहा होगा सतीश चंद्र शर्मा डेली हाईकोर्ट के सी जी लगाए गए हैं विपिन संघी उत्तराखंड अजमद ए सैयद हिमाचल प्रदेश जस्टिस सांबजी शिवाजी शिंदे राजस्थान जस्टिस रश्मीन मनहर भाई छाया गुवाहाटी हाईकोर्ट एंड उज्जवल बुआन इनको तेलंगाना जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है ये सिर्फ सिर्फ असम की नहीं है इसके साथ साथ का एरिया कौन सा है असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है असम हो गया अरुणाचल हो गया नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया सभी का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है गुवाहाटी हाईकोर्ट ही है अब बात आते हैं चीफ जस्टिस हमारे इंडिया में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगा किसी को भी एक क्या होता है अगर हम बात करें एक वर्ड यूज होता है कॉलीजियम कोलिजियम कोलिजियम के क्या में क्या होता है मान लो जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं हाई कोर्ट के तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चार सीनियर मोस्ट जज ये आपस में डिस्कशन करते हैं और ये फिर रिकमेंडेशन भेजते हैं किसको प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजी जाती है कॉलेजियम के द्वारा फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऐसा ही होता है चार सीनियर मोस्ट जज से सी जी आई से के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट कोई भी जज अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट किसी भी जज को क, से कंसल्ट करता है जो उसको लगता है कि मुझे इससे करना चाहिए तो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो कंसल्ट करेगा ही करेगा वो जब उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लगाने पड़ेंगे क्लियर है ये चीज़ सभी को हाँ जी क्लियर है बताइए जी सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं आंसर दीजिए और हाई कोर्ट के कितने जज होते हैं जल्दी आंसर दो नाम पार्लियामेंट रखा है आपने ठीक है जी कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है तो एंशंट हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री छोड़ जाओ ठीक है साइंस के क्वेश्चन अगर दो तीन भी आ गए और तीन नंबर से पीछे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना ठीक है जी बायो कर लो केमिस्ट्री छोड़ सकते हो थोड़ी बहुत फिजिक्स और बायो तो आपको आनी चाहिए मेडिसिन मतलब बीमारियाँ कौन सी हैं वायरल है कौन सी है कौन सी बीमारी से क्या होता है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के टोटल थर्टी फोर जज हैं थर्टी थ्री प्लस वन सी जी आई तैतीस प्लस एक सी जी आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जल्दी से आंसर दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना है जो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जज होते हैं इट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट कि उनको कितना रखना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क लोड एक ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि उस कोर्ट के जज मतलब बीस हैं तो 20 ही रहेंगे तीस हैं तो 30 ही रहेंगे इट डिपेंड्स ऑन वर्क लोड ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किस कोर्ट के कितने जज रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क लोड ये बात याद रखना विल गेट एन एडिशनल वन परसेंट इंसेंटिव इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर देखिए क्या है इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अगर सिंपल आपको समझाता हूँ ये कि है क्या चीज़ क्या है बात क्या करी गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एम जो एक्ट आया 2006 में आया डेफिनेशन क्या होती है माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है ठीक है जी अगर हम इनकी डेफिनेशन लें तो यहाँ पे वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे चीज़ आती है टर्नओवर ये बात आती है माइक्रो कौन सा होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट एक करोड़ हो या टर्नओवर कितने तक हो पाँच करोड़ इसको क्या बोलते हैं माइक्रो और स्मॉल में क्या आता है कि दस करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर कितनी हो पचास करोड़ तक हो और इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पचास करोड़ तक हो और टर्न कितनी हो ढाई करोड़ तक तो ये क्या होती हैं ये डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की तो जो ये लोग हैं इनका काम क्या है कुछ बनाना ये क्या करेंगी इंडिया में कंपनीज कुछ बनाएंगी छोटी कंपनियां उससे स्मॉल फिर मीडियम जो ये चीजें बनाएंगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो ये चीजें बनाएंगी इंडिया में क्या करना है मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया चीज़ें बनानी है तो इनको कुछ ना कुछ सरकार इंसेंटिव देगी चाहे वो टैक्स में दे या किसी चीज में दे पहले दूसरे और तीसरे साल सरकार इनको अडिशनल एक परसेंट इंसेंटिव देगी कि इनको एम को ये न्यूज़ है एमएसएमई क्या होता है ये क्लियर होगा चलिए जी आगे आगे देखिए क्या न्यूज है सेबी फॉर्म्स हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्म्स हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी क्या है सेबी इंडिया मार्केट रेगुलेटर हैज स्टेब्लिश 20 मेंबर हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी विच विल मेक रिकमेंडेशन फॉर बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग मेजर फोकसिंग ऑन ईज ऑफ इशुंस एंड अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल कुछ नहीं है कि कैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैसे हम उनकी ग्रोथ बढ़ाएँ ठीक है जी हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे हम चीज़ों को बेचें या कैसे करें कैसे हम ऐसे काम करें कि जिससे अट्रैक्टिव को अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल कि जिससे हम इंडिया में या फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकें कैसे हम ऐसे काम करें से भी ये बात पर मतलब उसके लिए कि कमेटी का गठन किया गया है और के वी कामत जो चेयरपर्सन है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उनको इसका चेयरमैन लगाया गया है कमेटी का याद रखना के वी कामत के वी कामत को किसका अभी चेयरपर्सन लगाया गया है जो ये कमेटी का गठन किया गया है हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी और ये कमेटी बनाई किसके लिए है कि कैसे सेबी के काम को अच्छा किया जाए ईज किया जाए स्टॉक मार्केट को कैसे लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट किया जाए अब जो अगर हम बात करें सेबी की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाइनटीन में इसको बनाया गया उसके बाद इसको स्टैचुटरी स्टेटस स्टैचुटरी स्टेटस में बहुत बार बता चुका हूं कि जब इसके लिए एक्ट बना से भी जो एक्ट आया वो 1992 में आया और उसके अंदर इसको एक स्टेचुटरी स्टेटस भी दे दिया गया ठीक है जी तो इसको स्टेचुटरी स्टेटस कब मिला 1992 में करंट अफेयर की क्लास जो होती है जी ये ट्यूसडे होती है 3:30, ठीक है और इसमें हर जो लास्ट वीक के करंट अफेयर है वो डिस्कस किए जाते हैं जो भी होते हैं वीवा टेक्नोलॉजी 2022 इवेंट इन पेरिस फ्रांस इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव रिप्रेजेंट इंडिया यूरोप लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वीवा टेक्नोलॉजी 2022 इन पेरिस फ्रांस वेयर ही अनाउंस दैट यूपीआई एंड रुपया कार्ड सर्विस विल बी अवेलेबल इन फ्रांस सून एज अ रिजल्ट ऑफ एम ओ यू बिटवीन एन आई पी एल इंडिया एंड लायरा नेटवर्क ऑफ फाइनेंस देखिए एक बात हो रही है कि इंडिया का जो यू सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड चलेगा ठीक है जी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपने सुना होगा आप कोई भी काम करते हो चाहे आप गूगल पे चलाते हो फोन पे चलाते हो कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यू पी एक होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स करते हो या करते हो तो अभी रिसेंटली एक वीवा टेक्नोलॉजी एक मतलब आप ये कह सकते हो इवेंट हुआ कहाँ पे पेरिस में फ्रांस में जहाँ इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ये एक लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस था कि कैसे चीज़ों में स्टार्टअप करी जा सकती हैं और अभी रिसेंटली बात क्या हुई है कि इंडिया जो है कि यू एंड रुपया कार्ड सर्विस अवेलेबल होगी फ्रांस में भी मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें बात अगर हम इसकी बात करें ये यह यहाँ पे है यू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको पता है ये सारा कुछ जो चलता है कभी आप पेमेंट करते हो तो लिखा आता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एन सुना होगा आप लोगों ने आपको लिखा था नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एन ये जो एन है ये बनाया गया था अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक सिस्टम एक्ट है इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में इंडिया में लाया गया और इस एक्ट के अंदर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया 2008 में तो यही सारी पेमेंट्स को देखता है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका काम है तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसी के अंदर ऐसे चलती हैं ये सारी चीज़ें तो अब इंडिया इसको वर्ल्ड वाइड इसको इन, इन्फल्ट्रेट कर रहा है दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ में क्लियर है ये सभी को ठीक है जी सिंपल न्यूज है और दूसरी चीज इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्री ऑफ द ईयर ये भी माना गया इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर एट वीवा टेक्नोलॉजी दो हजार बाईस आगे देखिए क्या है राहुल श्रीवास्तव बिकम्स इंडिया सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर ठीक है जी सबसे बात याद क्या रखनी है सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर हैं नाइन्टीन ईयर ओल्ड राहुल श्रीवास्तव ऑफ तेलंगाना कहाँ से तेलंगाना इंडियाज सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर आफ्टर ब्रेकिंग द टू फिफ्टी हंड्रेड एलो पॉइंट्स बैरियर इन लाइव इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो ये चेस फेस्टिवल हुआ था 2022 में इटली में तो वहाँ पे इन्होंने जीता विश्वनाथन आनंद बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन 1988 क्लियर है चीज़ विश्वनाथन आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में अभी ये कौन से बने हैं सेवेंटी फोर्थ एशियन जूनियर स्क्वैश गेम है ठीक है आप देख सकते हो ऑनलाइन या न्यूज है इसको एक बार देख लिया करो वर्ल्ड म्यूजिक डे थीम क्या है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस और कुछ नहीं याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी तो देखिए बात क्या है अगर इसको हम देखें जो योगा डे है 21 जून को आपको पता भी 21 जून गया तो मनाया जाता है 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे भी होता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूना ऐसा नहीं है कि इंडिया का है इंटरनेशनली है ठीक है जी मनाया जाता है थीम क्या है योगा फॉर ह्यूमैनिटी योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2014 में इसके लिए एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ठीक है जी और फिर उसको पास कर दिया गया और 21 जून का दिन चुना गया फॉर योगा डे के लिए और 2015 के 15 में अंडर द यूएन पहली बार योगा डे सेलिब्रेट किया गया ठीक है जी द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज ऑब्जर्वड एट द यूनाइटेड नेशन ऑन ट्वेंटी जून दो हज़ार जून दो अभी मोदी जी ने उधर साउथ इंडिया में जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द मास योगा डेमोस्ट्रेशन एट मैसूर पैलेस ग्राउंड मैसूरू कर्नाटका वहाँ पे उन्होंने जाके योगा किया ठीक है जी मास योगा वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे जाके उन्होंने योगा किया याद रखिएगा ये चीज़ और जो एर्ट इंटरनेशनल योगा डे था जो ये ठीक है जी इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात बोली है कि, कि किंग एंड इनोवेटिव प्रोग्राम चलाया द गार्डियन रिंग द गार्डियन रिंग गार्डियन रिंग मतलब सन को भी बोल सकते हैं हम टू सेलिब्रेट द मूमेंट ऑफ सन अंडरलाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ वन सन वन अर्थ द गार्डियन रिंग अंडरलाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ अगर हम बात करें वन सन वन अर्थ कि हमें सन को भी यूटिलाइज सन का क्या है वन सन वन अर्थ ठीक है जी वन ग्रिड ऐसा एक आपने कभी सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर कि सन को हम यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी बना सकते हैं हम अपना पॉल्यूशन कम कर सकते हैं जिससे क्या है सन एक गार्डियन का काम करेगा हमारे लिए बचाएगा हमें तो ये चीज़ किया गया है और सन से आपको पता है कि बहुत सारे विटामिन हमें धूप से मिलते हैं तो ये बातें बोली गई हैं इंडिया ने ये बात बोली है यहाँ पे क्या बोला गया इसके लिए द गार्डियन रिंग टू सेलिब्रेट द मूवमेंट ऑफ सन आगे देखिए पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड बेंगलुरु टू इनागोरेट वेरियस प्रोजेक्ट्स ठीक है जी बेंगलुरु में अभी रिसेंटली गए मोदी जी काफ़ी प्रोजेक्ट्स को उनको वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया ठीक है जी नेशन इंडियाज़ फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वर रेलवे स्टेशन ठीक है जी एट बियापन हाली विच इज़ डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ मॉडर्न एयरपोर्ट एट द टोटल कॉस्ट ऑफ अराउंड तीन करोड़ बात कहाँ पे यह बेंगलुरु तो ये बेसिक सी चीज़ है अब याद रखना इंडिया का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है कहाँ पे बेंगलुरु में क्या नाम है सर एम विश्वेश्वर्या रेलवे स्टेशन मतलब उसको एयर कंडीशन कर दिया जाएगा गुजरात बिकम्स इंडिया फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत यहाँ पे आप देख सकते हो बालिका पंचायत बच्चों के लिए एक पंचायत होती है इवन मोर फोकस इज ऑन गर्ल चाइल्ड ठीक है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है गुजरात इंडिया की पहली स्टेट बना है जहाँ पे लॉन्च किया गया है बालिका पंचायत मतलब गर्ल पंचायत सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन टू एलिमिनेट द एवल प्रैक्टिस जैसे चाइल्ड मैरिज है डॉरी सिस्टम है इसको एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ लेके आए हैं और गुजरात पहली स्टेट बन गया है जिसने बालिका पंचायत को लॉन्च किया है फीमेल जो उनके इश्यूज होते हैं उनके लिए ये किया गया है बालिका पंचायत इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड इन कुनारिया मस्का ये अलग अलग वहाँ पे एरिया हैं जहाँ पे ये शुरू किया गया है डिस्ट्रिक्ट में कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात आगे क्या है ये देखिए द कंटेस्टेंट्स फीमेल्स एज बिटवीन दस एंड इक्कीस दस से लेके इक्कीस साल के बीच की जो वो होंगी वो इसके इलेक्शन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं ठीक है जी द फर्स्ट एवर इलेक्शन ऑफ इलेक्शन हुए कहां पे कुनारिया विलेज कच्छ गुजरात में और सबसे बड़ी बात जो ये बालिका पंचायत की सबसे पहली सरपंच चुनी गई है उनका नाम क्या है उर्मी आहिर जो कि 20 साल की हैं नेम्ड एज द सरपंच ऑफ द बालिका पंचायत स्टार्टेड इन कच्च तो ये नाम आपको पूछ सकता है कि ये आ सकता है कि उर्मी आहिर रिसेंटली इन न्यूज़ ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये पहली सरपंच हैं ऑफ़ बालिका पंचायत जो कि कहाँ शुरू हुई है कच्छ रीजन में गुजरात में और इलेक्शन कहाँ पे हुआ कोनारिया विलेज कच्छ गुजरात क्लियर है सभी को हाँ जी क्लियर है ये चीज़ ठीक है जी बालिका पंचायत ये चीज़ शुरू की गई है पंचायत जो था जो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं पंचायती राज पंचायती राज की अगर बात करें तो ये चीज़ आपको पता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन नाइन्टी टू के अंदर पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है उसके बाद पंचायती राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसके आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसके आर्टिकल हैं पंचायती राज के अभी ये नई चीज़ शुरू की है बालिका पंचायत ठीक है जी जो पंचायती राज है ये एक तरह से किसकी एग्जाम्पल है डी सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर सेंटर के हाथ में डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर लोकल लेवल के हाथ में है तो पंचायती राज उसकी भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन की ठीक है जी ये डेमोक्रेसी का सबसे इनिशियल स्टेप आपका जो होता है ठीक है वो ग्राउंड लेवल से आती है चीज़ें तो वो पंचायत से शुरू होता है कि पंचायतों में वहाँ पर हमें डेमोक्रेसी अपना बंदा चुनने की ठीक है जी क्लियर है सभी को बाकी आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ पंचायती राज से रिलेटेड कमेटीज आपको देख के आनी है कौन कौन सी कमेटीज पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं आगे देखिए क्या है गोल्ड रिसाइकलिंग विद रिफाइनिंग रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकिलिंग इंडिया हैज रैंक्ड फोर्थ इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकिलिंग इन 2021 हज़ार फोर्थ रैंक इंडिया का आया है सबसे अगर हम बात करें इन्होंने यहां पे दिया है गोल्ड को रिसाइकिल करना या कुछ भी इंडिया ने अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज की है गोल्ड रिफाइनिंग में पंद्रह टन से कितना कर दिया अठारह टन कर दिया चाइना टॉप करता है गोल्ड ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में सबसे ऊपर वन टन है अगर हम चाइना की बात करें इंडिया का तो अभी हमने देखा कि जो इंडिया की है हमने 75 टन पे इंडिया पहुंचा है चाइना का है वन टन फॉलोड बाय इटली 80 टन एंड देन यूएस 78 टन और इंडिया का रैंक क्या है टन. फोर्थ टन मतलब फोर्थ रैंक है 75 टन मुझे बताओ इंडिया में गोल्ड कहाँ कहाँ पर मिलता मिलता है आप लोगों ने एक तो चलो मूवी देखी होगी मूवी का नाम है के सुना होगा आप लोगों ने दो माइंस हैं कर्नाटका में एक है आपका हाथी और दूसरा है कोलार कोलार गोल्ड फील्ड्स के जी एफ सुना होगा दोनों कहां पे हैं जी कर्नाटका कहाँ पे हैं कर्नाटका कर्नाटका में है हाथी और कोलार गोल्ड फील्ड्स के जी एफ जिसकी बात करते हैं और एक माइंस हैं माँण्स। लावा माइंस लावा माइंस आपकी कहां पे हैं झारखंड कहां पे हैं जी झारखंड ये भी गोल्ड के लिए हैं और एक है आपका सोनभद्रा सोनभद्रा ये आपकी कहां पे है यूपी में मेन तो आपका हाथी और कोलार गोल्ड फील्ड्स ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है जो हाथी और कोलार गोल्ड फील्ड्स ये दोनों की दोनों कहां पे है? हैं कर्नाटका में है जी क्लियर है चीज तो इंडिया का रिसाइकिलिंग क्या है रिपोर्ट क्या आई है कि इंडिया का रैंक फोर्थ है क्योंकि इंडिया हर साल सेवेंटी फाइव टेन क्या करता है रिसाइकलिंग करता है टॉपिक कौन है चाइना देन उसके बाद इटली और उसके बाद क्या आता है यूएस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन यूनाइटेड नेशन लास्ट वीक अगर किसी को पता हो मैंने सेकंड न्यूज़ में यूएन के बारे में सारा डिटेल में बताया था तो मैं वो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा लास्ट वीक की ही बात है आप लास्ट वीक में पहले दस मिनट की वीडियो देख लोगे तो आपको सारा यूनाइटेड नेशन समझ आ जाएगा अभी क्या है सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा काम्बोज इसको अपॉइंट किया गया है इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क शी वॉज द शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ भूटान एंड विल सक्सीड टी एस तिरुमूर्ति एज इंडियन एम्बेसडर टू द यू एन यू एन सेक्रेटरी जनरल कौन है एंटोनियो गटर्स और हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यूयॉर्क ठीक है जी अगर कई लोगों को पता है कि क्या थी लास्ट वीक न्यूज लास्ट वीक एक न्यूज ये थी कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लगाई गई है जो कि बांग्लादेश की रिप्रेजेंटेटिव थी उनका नाम अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में वो लिख सकता है लास्ट वीक सेकंड न्यूज थी आपकी करंट अफेयर में कि बांग्लादेश की एक रिप्रेजेंटेटिव है उनको यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लगाया गया है अंडर आगे क्या है जी साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट इट्स फर्स्ट होम ग्राउंड रॉकेट नूरी नूरी का मतलब होता है वर्ल्ड नूरी का मतलब क्या होता है वर्ल्ड साउथ कोरिया ने अपना खुद का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बनाया है और साउथ कोरिया अब क्या करेगा खुद से अपने मतलब कहीं पहले क्या करता था जैसे उन्होंने कोई सैटेलाइट भेजने हैं तो कहीं और से भिजवाता था अब वो खुद का अपना उन्होंने एक मतलब रॉकेट लॉन्चर बनाया है जहां से वो अपने सैटेलाइट रॉकेट मतलब लॉन्च कर सकते हैं और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डाल सकते हैं साउथ कोरिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट स्पेस रॉकेट कोरिया सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू कॉल्ड एज नूरी फ्रॉम नैरो स्पेस सेंटर एट एटा लॉन्च मतलब वो साइट है जहाँ से किया ये करने की जरूरत नहीं है विद दिस लॉन्च साउथ कोरिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड टेंथ नेशन टू प्लेस अ सेटेलाइट इं टू द स्पेस विद इट्स ओन टेक्नोलॉजी दुनिया में दसवीं कंट्री बन गया है साउथ कोरिया जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ और स्पेस में डाला है किस चीज़ को अपने और, मतलब ऑर्बिट में डाला है अपने सेटेलाइट्स को और सेवंथ कंट्री बन गया है जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसके पास जो कि सैटेलाइट्स को मोर देन जो एक टन से ज़्यादा के सैटेलाइट होते हैं उनको स्पेस में लेके जा सकता है किसके बाद रशिया यूएस फ्रांस चाइना इंडिया एंड जापान तो इंडिया तो आपको पता है इसमें बहुत आगे है ठीक है जी अगर हम स्पेस की बात करें तो अभी साउथ कोरिया ने भी अपना करना शुरू किया है तो नूरी याद रखना आपसे पूछ सकता है कि नूरी रिसेंटली न्यूज़ तो आपको पूछ सकता है कि साउथ कोरिया ने ये लॉन्च किया है अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में और खुद का एक खुद से ही लॉन्च किया है किसी की हेल्प नहीं ली तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंटेन गेम्स आप देख सकते हो जी क्या है जेवलिन एस एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा उन्होंने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है बाय विनिंग द जेवलिन थ्रो इवेंट 86.69 मीटर एट द क्यूरटेन गेम्स 2022 हजार बाईस कहां पर हुई है फिनलैंड किसको डिफीट किया है एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनेड ग्रेनेडा उनको डिफीट करके इन्होंने ये जीता है तो ये याद रखिएगा यू फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच ये याद नहीं करना आप लोगों ने इस न्यूज को आप लोग स्किप कर सकते हो ये आपके काम की चीज नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडिया फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइब्रिड एंड सोलर सॉरी हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो सारा का सारा इंडिया फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी और सोलर एनर्जी पे काम करेगा इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया कौन सा है जी वो आपका दिल्ली एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है जी इससे क्या होगा अगर हम उसको चलाने के लिए पहले हम अपना कोल बर्न करते थे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी तो अब वो कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है या तो हाइड्रो एनर्जी है या फिर कौन सी है सोलर एनर्जी है और दूसरी सबसे बड़ी बात दो में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू रन यूजिंग सोलर एनर्जी ये पहला एयरपोर्ट है जिसने पूरी दुनिया में जिसने सोलर एनर्जी यूज करनी शुरू की थी पर पहला ऐसा एयरपोर्ट इंडिया में जो सारा का सारा ही सोलर और हाइड्रो एनर्जी पे डिपेंडेंट है वो आपका कौन सा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट एन एस आई एल जी ट्वेंटी फोर सक्सेसफुली लॉन्च न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या किया गया अभी उन्होंने जी सेट जियो सेंक्रोनिक सेटेलाइट ट्वेंटी फोर उनको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है थ्रू एरिया फाइव रॉकेट एरियाना फ्लाइट बाय फ्रेंच कंपनी सिंपल एक चीज है आप एक चीज याद रखना कि जो इसरो है हम बात करते हैं इसरो इसकी दो कमर्शियल आर्म्स हैं जो कमर्शियल काम करती हैं एक मान लो रॉकेट रूकेट बनाना है तो उनको बेचना वगैरह एक है अंतरिक्ष और दूसरी क्या है एन एस आई एल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इनका काम क्या है फॉरनर्स के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करना तो ये इनके काम है अभी रिसेंटली क्या हुआ है इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट एन एस आई एल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जी सेट ट्वेंटी फोर सक्सेसफुली लॉन्च इन्होंने अपना एक सक्सेस सेटेलाइट लॉन्च किया है सक्सेसफुली तो उसके ऊपर ये न्यूज़ है आपको ज्यादा इस न्यूज के बारे में नहीं पढ़ना आप याद रखना कि ये दोनों इसरो के ही पार्ट हैं। अंतरिक्ष एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तो ये एग्जामिनर पूछ लेता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अभी 2019 जो बजट हुआ था उसमें ही इसकी पेश मतलब इसको बनाया गया था तब ये बात हुई थी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप इंडिया होस्टेड द इंडिया ने इसको होस्ट किया एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप ट्वेंट फोर्टी सीनियर ट्वेंटी एट जूनियर एशियन एंड टेंथ पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप इन न्यू डेली डेली में ऑर्गेनाइज हुआ द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एट द इंडोर साइकिलिंग वेलो ड्राम ऑफ द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू डेली इंडियन साइकिलिंग टीम जो है इट्लूडेड इट सीज़न इन फिफ्थ प्लेस विद द टोटल ऑफ ट्वेंटी थ्री मेडल्स और इंक्लूडिंग टू गोल्ड है छः सिल्वर और पंद्रह ब्राउन्ज है अब बात ये याद रखना फिफ्थ प्लेस इंडिया ने हासिल की है इसमें और ये हुआ भी इंडिया में ही है जापान ने सबसे टॉप किया है एटीन गोल्ड है सात सिल्वर है और दो ब्राउज हैं ठीक है जी ये सारा डाटा आपको दे रखा है पंद्रह देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिफ्टीन कंट्रीज कंप्लीटेड एट द फोर्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आगे देखिए क्या है सिक्सटीन ईयर ओल्ड गुरु नायडू सनापथी फ्रॉम आंध्र प्रदेश क्या नाम है जी गुरु नायडू सनापथी फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट 55 फाइव के जी मैन इवेंट किस चीज़ के लिए था इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हुई मैक्सिको में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई मैक्सिको में उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है 55 फाइव के जी में क्या नाम है उसका 16 ईयर ओल्ड 16 साल के थे नाम क्या है गुरु नायडू सनपथी इनको ये अवार्ड मिला है 55 फाइव के जी में वो भी याद रखना है कि 55 फाइव के जी में मिला है गोल्ड मिला है और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो कि मैक्सिको में हुई थी अभी ठीक है जी और ये पहले इंडिया के वेट लिफ्टर हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है आई डब्ल्यू एफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में और इंडिया का रैंक क्या आया फिफ्थ इन मेडल टैली टोटल मेडल्स कितने मिले इंडिया को फोर मेडल्स वेयर द इंडियन एथलीट्स हैव सिक्योर्ड वन गोल्ड मेडल टू सिल्वर एंड वन ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान टॉप द मेडल टैली विद फोर गोल्ड वन सिल्वर एंड टू ब्रॉन्ज टॉप किया कजाकिस्तान ने और इंडिया का रैंक क्या है फिफ्थ और इंडिया को मेडल मिले हैं कितने आपके चार ए गोल्ड है दो सिल्वर और एक क्या है आपका ब्रॉन्ज इंटरनेशनल ओलंपिक डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे आप देख सकते हो जी याद रखना तो रख सकते हो सिंपल चीजें यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये भी आपके काम की चीज नहीं आप छोड़ सकते हो इसको ये लास्ट ट्रेन याद रखना 2022 थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड 19 और एनहांसिंग इनोवेशन पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओडिशा मो बस वन द यूएनपीएस अवार्ड ठीक है जी ये चीजें याद रखनी है मतलब पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको मिला है ओडिशा मो बस एक सर्विस थी उसको उसको अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस 2022 का ग्लोबल लाइवेबिलिटी लाइवेबिलिटी क्या होता है लाइवेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि वो शहर रहने के लिए कितने सूटेबल हैं तो लाइवेबिलिटी इंडेक्स उसके लिए जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जारी किया है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स एक वन कंट्रीज में देखा गया है वेना ऑस्ट्रिया वेना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है द मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन द वर्ल्ड वंस अगेन सबसे सबसे रहने के लिए सबसे अच्छी जो माना माना जाता है 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 वेना को माना गया ठीक जी टॉप स्पॉट फ्रॉम ऑकलैंड पहले ऑकलैंड था वेना का वो रैंक आया है और अगर हम बात करें सिटी इन कॉपन हैगन डेनमार्क थर्ड ये कंट्रीज के मतलब दिए हुए हैं कि कौन कौन से शहर हैं उनकी सारी बात की है तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स सिंपल ये बात बताता है कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जो रहने के लिए अच्छी हैं लाइवेबिलिटी मतलब जहाँ पे हेल्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन है इन चीज़ों के बेसिस पे इसको जज किया जाता है इंडेक्स को और ये सारी रिपोर्ट कौन देता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जो टी ट्वेंटी अभी सीरीज हुई थी आपने सुना होगा कि पहले दो मैच पांच मैचों की सीरीज थी दो मैच अफ्रीका ने जीत लिए साउथ अफ्रीका ने फिर दो मैच इंडिया ने जीते और जो फिफ्थ मैच था वो क्या हो गया टाई हो गया ड्यू टू रेन ये सारा आपने सुना होगा और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है भुवनेश्वर कुमार जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं क्लियर है क्योंकि उन्होंने सिक्स विकेट्स ली चार मैचों में और दिनेश कार्तिक जो कि थर्टी सेवन ईयर्स एंड सिक्सटीन डेज जिनकी एज है पहले क्या था धोनी थे ऐसे जो सबसे ज़्यादा एज थे और जिन्होंने फिफ्टी लगाई है अब क्या है ये दिनेश कार्तिक हैं एम एस धोनी को इन्होंने सरपास कर दिया टू बिकम ओल्डेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर टी ट्वेंटी हाफ सेंचुरी आजकल बड़ा चल रहे हैं दिनेश कार्तिक तो ये आपकी न्यूज़ थी लास्ट वीक की इतना और ज़्यादा नहीं है यही था आपके इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको एक बार देख लेना उनके थीम देख लेने और उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बाकी बहुत बेसिक न्यूज़ हैं ठीक है जी जो भी हम होगा नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे अगर नेक्स्ट वीक की आपके जो ये वीक चल रहा है इसके करंट अफेयर आपके नेक्स्ट वीक हम ट्यूज़डे को डिस्कस करेंगे थ्री थर्टी जैसे आप सभी को पता है और ये सारे की जो पी डी एफ है ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको अवेलेबल है ओके जी थैंक यू